तो स्वागत है आप सभी का ज्ञापन अकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। और आज का ये जो वीडियो है ना, थोड़ा अलग हटकर होने वाला है, एकदम मज़ेदार और इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 12th क्लास के हिंदी का चैप्टर और राइटर का नाम याद रखने का ट्रिक बताने वाली हूँ। जी हाँ, 12th क्लास में जितना भी चैप्टर है उन सभी चैप्टर और उसके राइटर का नाम याद रखने का एकदम धांसू, एकदम मज़ेदार और एकदम आउटस्टैंडिंग ट्रिक लेकर आ गई हूँ। और ये एक ट्रिक कविता है। जी हाँ, मतलब ऐसा ट्रिक आपने ना ही कभी देखा होगा, ना ही सुना होगा और ना ही यूट्यूब पर आप लोगों को ऐसा ट्रिक कहीं मिलेगा। पहली बार मेरे द्वारा इस चैनल के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को बताया जा रहा है ये ट्रिक। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। ये एक कविता है, ज़्यादा लंबा कविता नहीं है, देखिए छोटा सा है जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे। तो इस ट्रिक, इस कविता से आप चैप्टर और राइटर का नाम बता सकते हैं एकदम आसानी से। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये पूरा ट्रिक, ये पूरा कविता मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरह आप लोगों को चैप्टर और राइटर का नाम याद रखना है बिना याद रखे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कर लेने के बाद बेल आइकन यानी कि घंटी को दबाकर ऑल का ऑप्शन क्लिक कर लेना है, उसे होगा ये कि मेरी रोज आने वाली ऑल वीडियो और ऑल लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। उसके बाद से आप लोगों को सबसे ज़्यादा शेयर कर देना है वीडियो को, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक एक बार करना है आप लोगों को। तो चलिए नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स गो टू स्टार्ट। सबसे पहले तो इस ट्रिक को यानी कि इस कविता को मैं शुरू से लेकर अंत तक पढ़कर आप लोगों को एक बार बता देती हूँ। देखिए कविता कुछ इस तरह से है कि बाबा ने कहा गुलेरी से संपूर्ण क्रांति की जय, हंसते हुए मलय से कहा तिरिच हुआ उदय। ईश्वर हो या राम, रोज करूँ या सच्चा काम, लेख लिखूँ या पत्र एक भगत सिंह के नाम। वह सदा जग गीत का नाम, झूठा प्रकाशित हुआ सिपाही महान, उपरोक्त शिक्षा देने वाले जय कृष्णमूर्ति। देखिए लास्ट में जाकर रिदम थोड़ा बिगड़ गया है, ये वाला उपरोक्त शिक्षा देने वाले जय कृष्णमूर्ति, ये वाला थोड़ा अलग हटकर है क्योंकि यहाँ पर तो सुर ताल अच्छा से मिल रहा है, सुर ताल वगैरह, लेकिन लास्ट में ये वाला जो है ना लाइन, ये मैच नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर आप लास्ट वाली लाइन को याद भी नहीं करते ना तो आपको याद हो जाएगा कैसे। चलिए अब मैं इस ट्रिक को पूरा अच्छे तरीके से इस कविता को समझाती हूँ और बताती हूँ कि कहाँ चैप्टर राइटर का नाम छुपा हुआ है। देखिए बस इतना आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक कविता याद कर लीजिए और टेंशन फ्री हो जाइए, क्योंकि सारा चैप्टर और राइटर का नाम इसी में छुपा हुआ है। अब मैं बताती हूँ कहाँ कहाँ, समझिए। देखिए शुरुआत में क्या है, बाबा, तो पहला जो बा है, पहला बा से याद रखिएगा चैप्टर का नाम है बातचीत। ठीक है, तो एक बा से तो हो गया बातचीत चैप्टर का नाम, और एक जो बा है ना इससे हो जाएगा राइटर का नाम, यानी कि बातचीत नाम के चैप्टर के राइटर कौन है, लेखक कौन है, बासे बालकृष्ण भट्ट, याद रखिएगा। तो बासे बातचीत नाम का चैप्टर हो गया और बातचीत नाम के चैप्टर के राइटर यानी कि लेखक हो गए बासे बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, तो बाबा हो गया, या फिर आप बासे पहला वाला जो बा है इसे बालकृष्ण भट्ट भी याद कर सकते हैं और दूसरा वाला बा से बातचीत, मतलब दोनों बा है, बा से बातचीत भी स्टार्ट हो रहा है और बा से लेखक का भी नाम स्टार्ट हो रहा है बालकृष्ण भट्ट। तो दोनों मतलब एक का नाम आप राइटर का नाम ले सकते हैं और एक से आप चैप्टर का नाम ले सकते हैं। ठीक है, तो बाबा से चैप्टर राइटर का नाम हो गया। ने कहा, ने कहा से याद रखिएगा उसने कहा था, चैप्टर का नाम क्या है, उसने कहा था, तो ने कहा से याद आ जाएगा आप लोगों को उसने कहा था। उसने कहा था नाम के चैप्टर के राइटर लेखक हो गए, देखिए आगे क्या लिखा है, गुलेरी यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, तो उसने कहा था चैप्टर के राइटर का नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, बाबा ने कहा गुलेरी से संपूर्ण क्रांति की जाए, चैप्टर का नाम ही है संपूर्ण क्रांति। ठीक है, तो संपूर्ण क्रांति नाम के चैप्टर के राइटर कौन है, तो देखिए संपूर्ण क्रांति की जय लिखा है ना, जय से याद रखना है जय प्रकाश नारायण, यानी कि संपूर्ण क्रांति नाम का जो आप लोगों के बुक में चैप्टर दिया गया है उस चैप्टर के राइटर हो गए जय प्रकाश नारायण, तो संपूर्ण क्रांति की जय। आगे बढ़ते हैं, एकदम मज़ेदार आप लोगों को ट्रिक लग रहा होगा, ऐसा ट्रिक लेकर आई हूँ ना मैं, ऐसा ट्रिक सिर्फ आप लोगों को इसी ज्ञापन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर ही मिल सकता है। पहली बार ये ट्रिक मैं आप लोगों को बता रही हूँ, एक कविता से आप लोग चैप्टर और राइटर का नाम याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हंसते हुए मलय से कहा, तो देखिए हंसते हुए से याद रखना है चैप्टर का नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन। ठीक है, तो हंसते हुए से चैप्टर का नाम याद आ जाएगा हंसते हुए मेरा अकेलापन, और मलय से याद रखना है मलयज, यानी कि हंसते हुए मेरा अकेलापन नाम के चैप्टर के लेखक राइटर हो गए मलयज जी। ठीक है, हंसते हुए मलयज से कहा तिरिच हुआ उदय, तो देखिए यहाँ पर तिरिच लिखा हुआ है ना, तिरिच से याद रखना है तिरिच नाम का चैप्टर ही है, चैप्टर का नाम क्या है तिरिच, तो यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही तिरिच लिखा हुआ है, तो तिरिच नाम के चैप्टर के राइटर कौन हो गए, तो देखिए लिखा हुआ है ना तिरिच हुआ उदय, उदय से याद रखना है उदय प्रकाश, यानी कि तिरिच नाम के चैप्टर के राइटर लेखक हो गए उदय प्रकाश। आगे बढ़ते हैं, ईश्वर हो या राम, तो ईश्वर से याद रखना है अर्धनारीश्वर। ठीक है, ईश्वर से क्या याद आएगा आप लोगों को, अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर नाम का जो चैप्टर है उसके राइटर कौन है, तो देखिए ईश्वर हो या राम, राम से याद रखना है रामधारी सिंह दिनकर, यानी कि अर्धनारीश्वर नाम के चैप्टर के राइटर हो गए
रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, ये हो गया बात, आगे बढ़ते हैं। रोज करूँ या सच्चा काम, तो रोज से याद रखना है, रोज नाम का चैप्टर ही है, तो रोज नाम के चैप्टर के राइटर कौन हो गए, तो रोज करूँ या सच्चा काम, सच्चा से याद रखना है, सच्चिदानंद। जितना भी मैं ब्लैक कलर के मार्कर से लिखी हूँ ना, वो सब चैप्टर और राइटर का नाम है। ठीक है, तो रोज नाम के चैप्टर के राइटर कौन हो गए, लेखक सच्चा से सच्चिदानंद। पूरा नाम है इनका सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, तो सच्चा से आप लोग को याद आ जाएगा कि सच्चिदानंद। आगे बढ़ते हैं। लेख लिखूं या पत्र, एक भगत सिंह के नाम। आप लोगों को समझ में आ गया होगा चैप्टर का क्या नाम है। देखिए, लेख लिखा हुआ है और पत्र लिखा हुआ है, यानी कि चैप्टर का नाम है एक लेख और एक पत्र। ठीक है, तो एक लेख और एक पत्र के राइटर कौन हो गए, भगत सिंह। ऑलरेडी लिखा हुआ है भगत सिंह का नाम, तो एक लेख लिखूं या पत्र, एक भगत सिंह के नाम, इससे आप लोग को याद आ जाएगा कि एक लेख और एक पत्र के राइटर कौन है, भगत सिंह। आगे बढ़ते हैं। वह सदा जग, सदा से याद रखना है ओ सदा नीरा। चैप्टर का नाम क्या है, ओ सदा नीरा, और जग से हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर, यानी कि ओ सदा नीरा नाम के चैप्टर के राइटर हो गए, लेखक हो गए जगदीश चंद्र माथुर। जग से क्या याद रखना है, जगदीश चंद्र माथुर। आगे बढ़ते हैं। गीत का नाम, गीत से याद रखिएगा प्रगीत और समाज। गीत से क्या याद रखेंगे, प्रगीत और समाज चैप्टर का नाम है और राइटर हो गए, देखिए नाम लिखा हुआ है ना, तो नाम से याद आ जाएगा लेखक का नाम नामवर सिंह। लेखक का नाम क्या है, नामवर सिंह, तो नाम से आप लोगों को याद कर लेना है। तो गीत से प्रगीत और समाज नाम के चैप्टर के राइटर कौन हो गए, नाम से नामवर सिंह। ठीक है, झूठा प्रकाश, झूठा से याद रखना है जूठन, झूठा से आप लोगों को याद रखना है जूठन नाम का चैप्टर है, और प्रकाशित से आप लोगों को याद रखना है राइटर का नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है, तो जूठन नाम के चैप्टर के राइटर हो गए ओम प्रकाश वाल्मीकि। आगे बढ़ते हैं। झूठा हुआ सिपाही महान, सिपाही से याद रखना है सिपाही की माँ चैप्टर का नाम है और राइटर का नाम है महान से मोहन राकेश। ठीक है, तो सिपाही की माँ नाम के चैप्टर के राइटर कौन हो गए, मोहन राकेश, महान से मोहन राकेश याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी लास्ट वाला लाइन याद भी नहीं करते हैं ना, तो आप लोगों को नॉर्मली याद हो जाएगा कि शिक्षा नाम के चैप्टर के राइटर जय कृष्णमूर्ति। तो देखिए, उपरोक्त शिक्षा देने वाले जय कृष्णमूर्ति, यानी कि शिक्षा से शिक्षा नाम का जो चैप्टर है उसके राइटर हो गए जय कृष्णमूर्ति। पूरा का पूरा नाम लिख दी हूँ, अगर याद नहीं करते हैं तो नॉर्मली आप लोग को याद हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में जाकर रिदम बिगड़ जा रहा है, तो इसको अगर आप लोग नाम याद नहीं, ये लास्ट वाला लाइन नहीं याद करते, फिर भी आप लोग को माइंड में आ जाएगा कि हाँ शिक्षा चैप्टर के राइटर कौन है, जय कृष्णमूर्ति है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कविता समझ में आ गया होगा, कहाँ कहाँ चैप्टर राइटर का नाम छुपा हुआ है, ये सारा हर एक चीज़ मैं आप लोग को बता दी, और आई थिंक आप लोग को ये अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा ये ट्रिक और कैसा लगा ये कविता, एकदम धमाकेदार और मतलब आउटस्टैंडिंग ये कविता है, आउटस्टैंडिंग तरीके से मैं आप लोग को चैप्टर राइटर का नाम याद रखने का ट्रिक बताई हूँ, तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोग को अच्छा लगा कि नहीं। ठीक है, तो ये हो गया सिर्फ गदखंड का। गदखंड में टोटल कितने चैप्टर है, 13 चैप्टर है, याद रखिएगा गदखंड में टोटल 13 चैप्टर है, और 13 चैप्टर और उसके राइटर का नाम याद रखने का ट्रिक बता दी, मतलब ये जो ट्रिक था ये सिर्फ गद खंड के लिए था, अभी काव्य खंड बचा हुआ है, काव्य खंड में टोटल उसमें भी 13 चैप्टर है, गद खंड में 13 चैप्टर जिसका राइटर का नाम याद रखने का ट्रिक ये कविता के माध्यम से आप लोगों को बता दी, अब काव्य खंड बचा हुआ है, काव्य खंड में भी 13 चैप्टर है, तो उसके भी उस चैप्टर और उसके राइटर का भी नाम याद रखने का मैं आप लोग को ट्रिक बताती हूँ, लेकिन अगर आप लोग यहाँ तक स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए फटाफट स्क्रीन शॉट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। काव्यखंड के 13 चैप्टर और उसके राइटर का नाम याद रखने का जो कविता है, मैं यहाँ पर बोर्ड पर लिख दी हूँ, कविता आपके सामने पेश है। चलिए सबसे पहले इस कविता को पढ़कर मैं आप लोगों को सुना देती हूँ। देखिए, घर में द्रौपदी को हराकर शोक में डूबे, प्यारे बेटे से सुख न मिला, ये सब नायक से नहीं सहाय, गुस्सा हुए शेर सिंह, पुत्र रहते शुभ नहीं हुआ, चेहरा गज का देख कला शंकर के जीवन में हुआ। कविता जी के भाषण सुन, 56 दास ने सभी दासों के पद अकड़ से मालिक को सुनाया। तो ये है आप लोगों का कविता, थोड़ा सा सुरताल वगैरह नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ सारे चैप्टर राइटर का नाम इसमें आ गया है। देखिए, चैप्टर राइटर का नाम को मिक्स करके एक तरह से कविता के अंदाज में ट्रिक तैयार करना थोड़ा मुश्किल का काम होता है, मैं पूरी कोशिश की और फाइनली ये कविता बनकर तैयार हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक। आई थिंक ये ज़्यादा लंबा भी नहीं है, इसको आराम से याद कर लीजिए और चैप्टर का राइटर, चैप्टर और उसके राइटर का नाम आसानी से आप लोग बता सकते हैं। देखिए, जितना भी ब्लैक कलर के मार्कर से मैं लिखी हूँ वो सभी चैप्टर राइटर का नाम है। चलिए, अब इस कविता में कहाँ चैप्टर और राइटर का नाम छुपा हुआ है मैं हर एक चीज़ आप लोग को बताती हूँ। देखिए, स्टार्टिंग में है घर, तो घर से याद रखना है चैप्टर का नाम है गाँव का घर, तो गाँव का घर नाम के चैप्टर के राइटर कौन हो गए, तो देखिए द्रौपदी लिखा हुआ है ना, तो द्रौपदी से याद रखना है ज्ञानेंद्रपति, यानी कि गाँव का घर नाम के चैप्टर के राइटर लेखक कौन हो गए, ज्ञानेंद्रपति, द्रौपदी से ज्ञानेंद्रपति याद रखना है। ठीक है, तो घर में द्रौपदी को हराकर शोक में डूबे, तो हराकर से याद रखना है चैप्टर का नाम है हार जीत। ठीक है, हराकर से याद आ जाएगा चैप्टर का नाम हार जीत, और हार जीत नाम के चैप्टर के राइटर कौन है, तो देखिए आगे लिखा हुआ है ना शोक, शोक से याद रखना है अशोक वाजपेयी,
शोक से अशोक वाजपेयी, यानी कि हार जीत नाम के चैप्टर के राइटर लेखक हो गए अशोक वाजपेयी। ठीक है, तो घर में द्रौपदी को हराकर शोक में डूबे, प्यारे बेटे से सुख न मिला। तो प्यारे बेटे से याद रखना है, चैप्टर का नाम है प्यारे नन्हे बेटे को। तो प्यारे बेटे से प्यारे नन्हे बेटे को, ये चैप्टर का नाम हो गया। और इस चैप्टर के राइटर लेखक कौन है, तो देखिए लिखा है ना सुख, सुख से याद रखना है शुक्ल, सुख से शुक्ल, यानी कि प्यारे नन्हे बेटे को जो चैप्टर का नाम है, इस चैप्टर के राइटर हैं शुक्ल जी। पूरा नाम क्या है शुक्ल का, तो विनोद कुमार शुक्ल। तो प्यारे नन्हे बेटे को नाम के चैप्टर के राइटर हो गए विनोद कुमार शुक्ल, सुख से शुक्ल याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, ये सब नायक से नहीं सहाय, नायक से याद रखना है अधिनायक नाम का चैप्टर है, अधिनायक नाम के चैप्टर के राइटर लेखक कौन हो गए, तो सहाय से याद रखना है आप लोगों को रघुवीर सहाय, यानी कि अधिनायक नाम के चैप्टर के लेखक हो गए रघुवीर सहाय। आगे बढ़ते हैं, गुस्सा हुए शेर सिंह, तो गुस्सा से याद रखना है उषा, गुस्सा से क्या याद रखना है उषा, उषा नाम का चैप्टर है, उसके राइटर कौन है, तो देखिए शेर सिंह लिखा हुआ है ना, शेर सिंह से आप लोगों को याद आ जाएगा कि उषा नाम के चैप्टर के राइटर है शमशेर बहादुर सिंह, शेर सिंह से शमशेर बहादुर सिंह, तो उषा नाम के चैप्टर के लेखक हो गए शमशेर बहादुर सिंह। आगे बढ़ते हैं, पुत्र रहते शुभ नहीं हुआ, पुत्र से याद रखना है पुत्र वियोग, पुत्र वियोग नाम का चैप्टर है और उसके राइटर है शुभ से याद रखना है सुभद्रा कुमारी चौहान, यानी कि पुत्र वियोग नाम के चैप्टर के राइटर कौन है सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चेहरा गज का देख, तो चेहरा से याद रखना है जन जन का चेहरा एक, ये चैप्टर का नाम है, तो जन जन का चेहरा एक नाम का जो चैप्टर है उसका राइटर है, देखिए गज लिखा हुआ है ना, गज से याद रखना है गजानन मुक्तिबोध, जन जन का चेहरा एक नाम का चैप्टर के लेखक कौन हो गए गजानन मुक्तिबोध, गज से गजानन मुक्तिबोध। ठीक है, तो चेहरा गज का देख कला शंकर के जीवन में हुआ, तो कला से याद रखना है चैप्टर का नाम है तुमुल कोलाहल कलह में, कलह से याद आ जाएगा चैप्टर का नाम तुमुल कोलाहल कलह में, ये जो चैप्टर है उसके राइटर कौन है, तो देखिए शंकर लिखा है ना, शंकर से याद रखना है आप लोगों को जय शंकर प्रसाद, यानी कि जय शंकर प्रसाद राइटर है तुमुल कोलाहल कलह नाम के चैप्टर के। ठीक है, तो कलह शंकर के जीवन में हुआ। कविता जी के भाषण सुन, कविता से याद रखना है कवित नाम का चैप्टर है, कवित, कवित नाम के चैप्टर के राइटर कौन है, तो भाषण से याद रखना है भूषण जी, तो कवित नाम के चैप्टर के लेखक हो गए भूषण जी। छप्पन दास ने सभी दासों के पद, तो देखिए छप्पन दास, इसी में दोनों चैप्टर राइटर का नाम है, छप्पन से याद रखिएगा छप्पे, छप्पे नाम का चैप्टर है और दास से याद रखिएगा कौन सा दास, नाभा दास, तो छप्पे नाम के चैप्टर के राइटर हो गए नाभा दास। तो छप्पन दास ने सभी दासों के पद अकड़ से मालिक को सुनाया, अकड़ से याद रखिएगा अड़बक, ये थोड़ा अकड़ इसमें आ रहा है ना, तो कड़बक, अकड़ से याद रखिएगा कड़बक नाम का चैप्टर है और उसके राइटर कौन है, तो मलिक मोहम्मद जायसी, मालिक से याद आ जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी, तो अकड़ नाम के चैप्टर के राइटर यानी कि कड़बक नाम के चैप्टर के राइटर कौन हो गए मलिक मोहम्मद जायसी। तो यहाँ पर हो जाता है आप लोग का कविता कंप्लीट, और इस पूरे कविता को आप लोग को अच्छे तरीके से याद कर लेना है और आसानी से आप लोग चैप्टर और उसके राइटर का नाम बता सकते हैं। तो यहाँ तक अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ले लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ट्वेल्थ क्लास के हिंदी के बुक में जितना भी चैप्टर है काव्यखंड और गदखंड दोनों खंड को मिलाकर जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर और उसके राइटर का नाम याद रखने का ट्रिक बता दी। कैसा लगा आप लोगों को ये दोनों ट्रिक, कैसा लगा कविता कमेंट में ज़रूर बताएं, समझ में आया कि नहीं, जितना भी मैं आप लोगों को समझाई जितना भी ट्रिक बताई वो समझ में आया है तो कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं कि हाँ हमें समझ में आ गया है, और कोई भी कंफ्यूजन है तो भी आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप हर एक चीज़ समझ में आया होगा और आप वीडियो को शेयर वगैरह कर दिए होंगे, लाइक भी कर दिए होंगे। देखिए अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले, उसे होगा ये कि मेरी रोज आने वाली ऑल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज।